उधर 84 का दंगा लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। पांच राज्यों के चुनावों के पहले 1984 दंगे मामले में फैसला आया तो बीजेपी इसका श्रेय लेने के लिए मैदान में आ गई। सबसे पहले कहानी शुरू होती है स्वर्गीय राजीव गांधी से, प्रधानमंत्री से। उन्होंने क्या कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उन्होंने बरगद से तुलना की थी। इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदारना वक्तव्य हो नहीं सकता। सिख दंगों और राजीव गांधी का नाम लेकर बीजेपी कांग्रेस पर इसलिए हमला कर रही है क्योंकि साल 1984 में हुए हजारों सिखों के कत्लेआम के बाद राजीव गांधी ने जो बयान दिया उसने सिखों के जख्मों पर नमक लगाने का काम किया था। इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए, कुछ दिन को दुनिया, कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। कल दिल्ली में 84 सिख दंगों से जुड़े एक केस में दोषी को मौत की सजा का ऐलान हुआ। ये उस टीम की जांच के बाद फैसला आया जिसे मोदी सरकार ने 2015 में बनाया था। यही वजह है कि सरकार इसका श्रेय लेने में जुट गई है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 25 वर्षों से सिख समाज को न्याय नहीं मिले, जिनके अपने मारे गए उनको न्याय नहीं मिले, इसकी हर संभव कोशिश की। जब 2015 में मोदी जी की सरकार आई तो SIT हम लोगों ने बनाया था। आज जो कार्रवाई हुई है वो SIT ने ईमानदारी से काम किया है तो उसी का कारण है। बीजेपी तो इस फैसले का श्रेय ले रही है, साथ में सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी खुद को इस फैसले के सहारे सिखों का हमदर्द साबित करने की कोशिश में है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि अकाली दल 84 से लेकर आज तक लगातार ये केसेस को प्रस्यू कर रही है। हर फोरम पे, पार्लियामेंट हो, धरने हो, श्रोमणी अकाली दल लगातार 34 साल ये लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी इस मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस केस में आया ये फैसला कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। देखना ये है कि कांग्रेस कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करती है। 1984 दंगे मामले में अदालत का फैसला आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमले का अब कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक सिख दंगे मामले में अदालत के फैसले नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई सिख दंगों के दोषियों को सजा मिलनी शुरू हो गई है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ना सिर्फ आगामी चुनावों में बल्कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भी सिख दंगों का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।